मेरे दोस्तों, एक कहावत आपने भी सुनी होगी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब पहले पहल लगता था कि ये कैसे गांधी हैं जो मजबूरी हैं, मगर अब समझ में आती है बात कि नहीं, महात्मा गांधी तो वो शख्सियत हैं कि जिनके बगैर ना हमारी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट आगे बढ़ पाती और ना ही आज की हमारी भारत की पहचान। हिंदी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में दो सिंगर्स तो ऐसे थे जिन्होंने, खुद को समझा जाए तो, उसी तर्ज पर अपने आप को साबित कर दिया था या स्थापित कर लिया था, जैसे कि हमारे देश में, हमारे भारत के लिए महात्मा गांधी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। योर 1970 में एक फिल्म आई गोपी, दिलीप कुमार, ओम प्रकाश और सायरा बानो स्टारर ये फिल्म, जिसमें भाइयों का प्यार था। हाय, क्या फिल्म थी ना। इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था कल्याण जी आनंद जी ने, इसके गाने भी चले थे जैसे एक पड़ोसन पीछे पड़ गई जंगली जिसका नाम। प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको, राम और शाम के तेरी मेरे नई मिली। इसके बाद जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, मैं हूँ बाबू जेंटलमैन, आम मिला ले मुझसे नैन, लंदन से आया मैं बन धन के। फिर वो वाला गाना, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा धाना धुन का, कौवा मोती खाएगा। इन गानों को कल्याण जी आनंद जी ने महेंद्र कपूर जी की आवाज में रिकॉर्ड करवाया था। दरअसल बात जरा हल्की ही सी सही, लेकिन नाराजगी वाली थी। एक्चुअली मोहम्मद रफ़ी साहब जो म्यूजिक कॉन्सर्ट किया करते थे, उसमें वो शंकर जयकिशन के म्यूजिकल कॉन्सर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल होते थे, और कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने उनसे कहा था कि आप भी हमारे म्यूजिकल कॉन्सर्ट शो में आया कीजिए। मोहम्मद रफी साहब ने अपनी मजबूरी जतला दी थी, यही वो बात थी, और इसीलिए कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई जरा खफा खफा थे। मगर एक भजन है इस फिल्म में, वो भजन जिसकी भक्ति की गहराई और जिसकी आध्यात्मिकता की ऊंचाई दोनों ही अपरंपार है। वही भजन जिसमें बात कही गई है, सुख के सब साथी दुख में न कोई, दुख में न कोई। मेरे राम, मेरे राम। राम से जुड़ा हुआ यह अनुराग, इस तरह के भक्ति भाव का एहसास अगर कोई आवाज करवा सकती थी तो शायद वो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ थी। तो किया क्या जाए, कल्याण जी आनंद जी जी को मजबूरन रफ़ी साहब को बुलवाकर इस भजन को रिकॉर्ड करवाना पड़ा था। बहरहाल रफ़ी साहब ने कोई गिला शिकवा किया नहीं, भजन रिकॉर्ड कर दिया, भजन पिक्चराइज्ड हुआ था दिलीप कुमार पर। अब दूसरे गाने की तरफ लौटते हैं। आप सबको तो पता है कि आराधना के बाद से राजेश खन्ना, पूरी फिल्म इंडस्ट्री क्या कहूँ कि पूरे हिंदुस्तान पर छाए हुए थे। कहावत भी लोगों ने कहना शुरू किया था, ऊपर आका नीचे काका। अब राजेश जी जो चाहते थे बस वही होता था, ना डायरेक्टर कुछ बोल सकते थे ना प्रोड्यूसर। ये बात है फिल्म हाथी मेरे साथी। तो राजेश खन्ना जी ने आनन फानन में इस फिल्म को साइन तो कर लिया था, मगर इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। सो सलीम जावेद से इस स्क्रिप्ट को सुधरवाया था, और उनके लिए ये फिल्म करना ज़रूरी इसीलिए था क्योंकि उन्होंने राजेंद्र कुमार से उनका बंगला डिम्पल खरीदा था, जिसका बाद में उन्होंने नाम आशीर्वाद रखा, जिसकी किश्तें उन्हें देनी थी। बहरहाल किशोर दा राजेश खन्ना की आवाज़ बनकर उभरे थे। बोला जाए तो राजेश खन्ना इज इक्वल टू किशोर कुमार। इस फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया था, और गाने भी खूब चले थे, जैसे वो वाला गाना, चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे हाथी चल ले चल खटारा खींच के। या फिर वो वाला गाना, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, याद आया आपको, हाथ छोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। या फिर वो वाला गाना, सुन जा
ए काली घटा। तो ये तमाम गाने किशोरदा और लता जी से रिकॉर्ड तो हो गए, मगर एक गाने पर पेचीदगी आ गई। एक्चुअली में किशोरदा को बुलवाया गया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पूरी सिचुएशन और धुन समझाई उनको और बोल सामने रखते हुए रिहर्सल करवाना शुरू किया। गाने के बोल थे, नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। किशोरदा धुन और बोलों को समझते हुए तुरंत भांप गए और उन्होंने इस गाने से अपने हाथ खड़े कर लिए। साफ मना किया कि ये ना मेरे स्टाइल का गाना है और ना मैं इस गाने के साथ पूरी तरह से जस्टिस कर सकता हूँ। अगर कोई है तो वो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी हैं जो इस गाने का हक अदा कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को तो बात समझ में आ रही थी, वो तो राजेश खन्ना जी के दबाव में किशोरदा से रिहर्सल करवाने को राजी हुए थे, मगर राजेश खन्ना को कौन समझाए। तो सामने से किशोरदा ने राजेश खन्ना को समझाते हुए कहा कि भाई जी, ये हम लोगों का काम है, हम लोग जानते हैं कि कौन किस काम को करेगा, कौन सा रंग कहाँ पर सूट करेगा। ये गाना मेरे मिजाज का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रफ़ी भाई गा सकते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब गा सकते हैं। राजेश खन्ना तभी हिलने डुलने को तैयार नहीं थे। उनके मन में ये गलत फहमी या कहा जाए तो सुपरस्टिशन जैसे बैठ गया था कि उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ किशोरदा की आवाज़ ही फिट बैठती है, जबकि रफ़ी साहब ने सच्चा झूठा, दो रास्ते, महबूब की मेहंदी जैसी फिल्मों में राजेश खन्ना के लिए बढ़िया और बेहतरीन गाने गाए थे। बहरहाल किशोरदा ने उन्हें ठोक बजाकर समझाना शुरू किया और ये भी कहा कि मेरी फिल्म रागिनी और शरारत में मुझ पर पिक्चराइज्ड होने वाले गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए हैं। राजेश खन्ना अब क्या करते। सो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब को बुलवाया और रफ़ी साहब को तमाम बातें समझाई और जब उनको मालूम हुआ कि इस गाने के रिहर्सल में किशोरदा भी शामिल हो चुके हैं तो उन्हें ख़राब भी लगा, मगर किशोरदा ने सामने से कहा कि रफ़ी भाई, गाना तो आपको ही पड़ेगा। तब जाकर मोहम्मद रफ़ी गाने को तैयार हुए। इस गाने को सुनते हुए सिवाय जज्बात के हमारे भीतर कुछ और नहीं आता। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। तो सिचुएशन दो फिल्मों की थी, एक में आस्था की डुबकी लगानी थी और दूसरे में किसी के बिछड़ने का गम कुछ ऐसा तारी होना था जिसकी भरपाई अगर कोई आवाज़ कर सकती थी तो वो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। कैसी लगी आपको ये दोनों बातें, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं अगली बार किसी और बेहद ही दिलचस्प कहानी के साथ लौटता हूँ। तब तक आपसे वही रिक्वेस्ट कि कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी। एक और गुजारिश कि अगर ये बातें आपको पसंद आई हैं तो लाइक वाले बटन को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वो घंटी का निशान जो होता है, वो जो आप देख रहे हैं, हाँ उसी को दबा दीजिएगा।